खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। बारिश और बाढ़ से परेशान दक्षिण भारत और पश्चिम भारत को रविवार को भी कहीं से कोई राहत नहीं मिली। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। केरल में जहां 72 लोगों की मौत हुई है, वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश और बाढ़ के कारण 111 लोगों की जान चली गई। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में सभी नदियां उफान पर है। बेलारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर हम्पी रविवार की सुबह एक जलाशय से 1.70 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद डूब गया। तो वहीं कर्नाटक में बाढ़ के चलते पिछले हफ्ते से अब तक 40 लोगों की जान चली गई है। राज्य सरकार की ओर से रविवार शाम 7 बजे जारी बयान के अनुसार बारिश और बाढ़ ने अभी तक 72 लोगों की जान ली है, जबकि 58 लोगों का अब तक कोई पता नहीं है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को उड़ान परिचालन बहाल हो गया है। रनवे पर पानी भर जाने के कारण हवाई अड्डा 2 दिन से बंद था। मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अनुमान लगाया है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभिन्न स्थानों पर सेना, नौसेना, तटरक्षक, NDRF, पुलिस, स्वयंसेवक और मछुआरे बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। बता दें कि 8 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद कवलापाड़ा से अभी तक 11 शव निकाले गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 50 शव अब भी मलबे और मिट्टी के अंदर फंसे हो सकते हैं। कर्नाटक के बेलारी जिला प्रशासन ने नदी के तटों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा है, क्योंकि भारी वर्षा के बाद तुंगभद्रा के सभी 33 गेट खोल दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा का कहना है कि प्राथमिक आकलन के अनुसार राज्य को बारिश और बाढ़ से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र से तुरंत 3,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। पश्चिम महाराष्ट्र के 5 जिलों में 1 हफ्ते में वर्षा जनित घटनाओं में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। उनमें वे 17 लोग भी हैं जो बृहस्पतिवार को सांगली में ब्रह्मनाल गांव के समीप नौका के पलटने में डूबकर मर गए थे। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार 69 तहसील में 761 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गुजरात के मध्य भाग, सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्रों के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त वर्षा हो रही है। मंदिर मस्जिद सब डूब गए, लेकिन भगवान तो वर्दी में घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतीय जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहे हैं, इस तरह तो वो हमारे असली खुदा हैं। और इसी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाढ़ में फंसी एक औरत इन जवानों को भगवान मानकर इनके पैर छूती नजर आ रही है, और माने भी क्यों ना, उसके लिए तो वही उसकी जान बचाने वाला खुदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन।